हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर एट के नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जिस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह के नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर के मेनली बेसिक बेसिकली देर आर फोर टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पैन लैन मैन एंड वैन आ मेजर डिफरेंस सॉरी वी कैन दैट पैन बहुत सी जगह पर पैन के साथ साथ कैन भी दिखाया जाता है ठीक है दोनों ही सेम हैं पैन uh, भी प्राइवेट से है और कैन भी कैंपस से है ओके okay, बेसिकली हम फोर टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप है पैन एक एक करके हम एक एक टाइप uh, को डिस्कस कर लेंगे पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क अ पैन अनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड मोबाइल्स इन अदर डिवाइसेस विद इन रेंज ऑफ टेन मीटर्स ठीक है दैट मीन्स वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स मल्टीपल मोबाइल फोन्स और एनी अदर डिवाइज विच आर रिक्वायर्ड इंटरनेट टू कनेक्टिंग मल्टीपल सिस्टम्स विद ईच अदर सो पैन एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो एक लिमिटेड रेंज टेन मीटर्स की रेंज के अंदर में मल्टीपल डिवाइसेस uh, को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है ठीक है इसीलिए हम इसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन को बेसिकली लोग प्राइवेट नेटवर्क की वजह से यूज़ में लेते हैं ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है इसी वजह से ऑफिस और घरों पर यह नेटवर्क ज़्यादा यूज़ में आता है ठीक है पैन दो तरीके से होते हैं फर्स्ट आप पैन कैन बी वायर्ड और वायरलेस पैन दोनों तरीके के फॉर्मेट में हो सकता है वायर्ड भी एंड वायरलेस फर्स्टली आ वायर्ड पैन क्रिएटेड यूजिंग यूएसबी कनेक्शन वायर्ड पैन जो होता है वो यूएसबी से कनेक्टिंग करके मल्टीपल पीसीज को आप आपस में इंटरकनेक्ट करता है और वायरलेस पैन जो होता है वो ब्लूटूथ से आपस में इंटरकनेक्टिविटी दिखाता है ठीक है पैन क्लियर है हम सभी को एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क है ओके okay. देखिए अब आप इसको एक बार डायग्राम से समझिए ये एक पैन का नेटवर्क है देखिए मल्टीपल सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरीके की कोई भी डिवाइस होती हो सकती हैं जिनको हम आपस में इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं देखिए सपोज कीजिए एक घर है जिसमें एक जगह पर लैपटॉप चल रहा है फिर पीसी चल रहा है फिर वहीं से प्रिंटर अटैच रहा है फिर मोबाइल फोन भी है ये जो चार डिवाइसेस हैं सभी के सभी डिवाइसेस में पैन अपनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करा रहा है बट इन अ शॉर्ट डिस्टेंस एक घर की बात कर रही हूँ मैं अब यहाँ पर आपको क्या लॉजिक क्लियर कर रहे हैं वो ये लॉजिक है कि मल्टीपल देखो डिसिमिलर डिवाइस है मोबाइल फोन अलग है लैपटॉप भी अलग है पीसी भी अलग है एंड प्रिंटर भी अलग है और सभी के साथ में एक पैन एक क्या है एक इंटरनेट का कनेक्ट एक इंटरनेट की नेटवर्किंग है जो कि प्रोवाइड करा रहा है डेटा को मल्टीपल फॉर्म में ठीक है मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा है और उन डेटाज़ को एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी परफॉर्म कराई जा रही है एक सिंपल नेटवर्क से ठीक है आ गई बात समझ में आपको पैन क्या होता है क्लियर हो गई बात नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक है तो हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं लैन नेटवर्किंग सिस्टम का सेकेंड फॉर्म है लैन लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क लोकली मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक लिमिटेड रेंज के अंदर इंटरकनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ में लिया था जब सबसे पहले नेटवर्किंग का ओरिजन हुआ था तो लैन मैन वैन बने थे ठीक है बाद में इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके और डिस्टेंस uh, के अकॉर्डिंग इसको आगे कैटेगराइज कर दिया गया तो लैन भी सेम वही फॉर्मेट जैसे पैन का होता है स्कूल होम और ऑफिस में यूज़ में आता है मतलब शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है आ लैन कैन बी कैपेबल ऑफ वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट यूजिंग इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर ठीक है लैन जो होता है वो कैपेबल होता है मल्टीपल मल्टीपल सिस्टम्स के बीच में या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए लेकिन ये हाई ट्रांसमिशन रेट यूज़ करता है लेकिन इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है जो कि पैन में काम नहीं आती कि ये इन एक्सपेंसिव को यूज़ करता है लाइक हब स्विच एंड केबल्स इन तीनों इक्विपमेंट मतलब इनमें से किसी भी एक आ, की हमें नीड होती है इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराने के लिए आर लैंड टेपिकली रिलास ऑन अ वायर्ड कनेक्शन फॉर इंक्रीज द स्पीड एंड सिक्योरिटी लैंड जो होता है वो वायर्ड कनेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करता है किसके लिए कि वायर्ड जो लैंड जो होता है उसकी स्पीड बजाय वायरलेस के बहुत ज़्यादा होती है और इसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है ठीक है अब इसको डायग्राम से समझिए जैसे हमने पैन को समझा था देखिए उसमें भी सेम वही काम हो रहा है मल्टीपल पीसीज़ यहाँ पर आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं बट कनेक्टिंग के लिए हमें जैसे हब हाँ, स्विच रिपीटर राउटर किसी एक की नीड होती है तो हम लोगों ने यहाँ पर हब हाँ लगा दिया जिसकी वजह से लैन uh, जो है वो फास्टेस्ट ट्रांसमिशन डेटा का प्रोवाइड करा पाता है मल्टीपल पीसीज के बीच में ओके okay? बेसिकली uh, अगर हम देखें तो चाहे वो लैन हो मैन हो पैन हो कैन हो कोई भी uh, नेटवर्क कोई भी नेटवर्क हो बेसिक सभी का काम सिर्फ एक ही है मल्टीपल सिमिलर और डिसिमिलर डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन करना और डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना रिसीव करना काम यही है विदन अ सिक्योर फॉर्म ठीक है लेकिन सिर्फ उनकी रेंज के अकॉर्डिंग उनके खर्चों के हिसाब से उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है, या उनके डिस्टेंस के हिसाब से उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है होप कि अभी मैंने सिर्फ आपको दो नेटवर्क समझाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे अगर आपको नोट्स यहाँ से क्लियर शो नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं आपको फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी एंड वन थिंग वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपने जितना काम अपना कर लिया है वो काम आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दीजिए ताकि मैं ब्रीफ कर सकूँ कि आप लोगों ने सही से किया है या नहीं ओके थैंक यू